everyone. आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट उठाया है मैंने क्योंकि मेरे कई सारे व्यूअर्स और मेरे स्टूडेंट्स भी ये चाह रहे थे कि मैं मटेरियल के पैनल के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो देखते हैं कि मटेरियल कैसे हम क्रिएट करते हैं अप्लाई करते हैं लेकिन उससे पहले उसके पैनल को ठीक से समझना जरूरी है तो मटीरियल के ब्राउजर को देखने के लिए हमको इस टैब के ऊपर क्लिक करना है विजुअलाइज विजुअलाइज के ऊपर आप क्लिक करोगे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये पैनल है डेडिकेटेड फॉर मटीरियल इसमें बड़े सारे ऑप्शन है तो जो सबसे पहला ऑप्शन है मटीरियल ब्राउजर का उस पर हमें क्लिक करना है क्लिक करते से एक विंडो खुलेगी हो सकता है या आपकी थोड़ी छोटी विंडो खुले उससे कोई दिक्कत नहीं है आप चाहो तो उसको ड्रैग करके कॉर्नर्स को या एजेस को आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो तो इस विंडो के ऊपर क्या क्या चीजें हैं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सर्च का तो अगर आप किसी मटेरियल को सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसका की या उसका नाम टाइप कर सकते हो और सर्च कर सकते हो यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा वो दूसरा है की इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सा मटीरियल यूज हो रखा है अभी तक यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है फिलहाल इसके अंदर आप देखो तो एक ही मटेरियल दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ग्लोबल ग्लोबल क्यों है क्योंकि अभी हमने कोई मटेरियल नहीं लगाया तो जो डिफॉल्ट मटेरियल ऑटो मटीरियल प्रोवाइड करता है अगर अभी हम जैसे हमारा विजुअल स्टाइल वायर फ्रेम है अगर मैं यहां पर इसको रियलिस्टिक रियलिस्टिक करती हूं, का मतलब होता है कि रियल मटेरियल के साथ में आप अपने ऑब्जेक्ट को थ्री ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हो तो फिलहाल अभी हमने कोई मटेरियल अप्लाई नहीं किया था इसके ऊपर तो अब तो ऑटोकेट क्या करेगा कि ग्लोबल मटेरियल उस पर अप्लाई करके आपको शो करेगा और बाकी चीजें और देख लेते हैं तो यहां पे सबसे पहले आप ये देख रहे हो कि इस, इस फाइल के या इस प्रोजेक्ट के अंदर खाली एक ही मटेरियल अभी असाइंड है जो कि डिफॉल्ट मटेरियल है उसके अलावा अगर हम चाहें तो यहां से इसके इंटरफेस को थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि यहां से आप इसको हाइड कर सकते हो नीचे की लाइब्रेरी सारी यहाँ से हाइड होगी और सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो मटेरियल है वो वाली कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है इसको वापस से एक बार क्लिक करेंगे तो वो ऑटोडेस्क की जो लाइब्रेरी है वो वापस से आपको दिखनी शुरू हो जाएगी यहाँ से अगर हम देखें तो आप अपने मटेरियल्स को किस तरीके से देखना चाह रहे हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो शो ऑल शो अप्लाइड जो अप्लाई कर रखे सिर्फ वही शो हों व्यू टाइप भी आप चेंज कर सकते हो अब जैसे यहाँ पे मटेरियल शो ही नहीं हो रहा अगर मैं यहाँ पे थंबनेल व्यू कर दूंगी तो आप देख सकते हो कि मटेरियल का असल में क्या लुक है वो आप यहाँ पे थंबनेल व्यू के अंदर देख सकते हो फिर इसके अंदर आप देखो तो बहुत सारे चीजें हैं फिर यहाँ पे थंबनेल का साइज आप अभी जैसे देख रहे हो सिक्सटी फोर बाई सिक्सटी फोर है आप बड़ा भी कर सकते हो तो यहाँ पे अब इसको अगर मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँ आपको दिखाऊँ तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है तो आप मटेरियल ठीक से देख सकते हो कि उसका कैसा अपेयरेंस है और यहाँ से मैं इसको लिस्ट व्यू पर ही करती हूँ अब हम इसके नीचे वाले पैनल को समझ लेते हैं कि इसमें क्या है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फिलहाल यहाँ पे होम के अंदर जो मटीरियल दिखाई दे रहे हैं हमको सारे मटीरियल लगभग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमको थोड़ा छोटा सा इनका स्वाच है और यहाँ पे नाम है और टाइप के अंदर किस टाइप का मटेरियल है वो और कैटेगरी क्या है उसकी वो सब चीजें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं जिसको हम अगेन चेंज कर सकते हैं यहाँ से यहाँ से आप लाइब्रेरी ट्री ये जो यहाँ पे ट्री बनेगा जैसे अगर ये मैं प्लस का साइन क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर जो भी फोल्डर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे अगर मैं यहाँ ऑटो डेस्क के ऊपर क्लिक करती हूँ प्लस पे तो उसकी सब कैटेगरीज आपको दिखाई देने लगेंगी जैसे सेरेमिक है और भी बड़े सारे अमेजनरी है, है लिक्विड है सेरेमिक है कंक्रीट है यहाँ पे अगर मैं सेरेमिक पे क्लिक करूंगी तो आप देखोगे उसके फर्दर कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही हैं जैसे पोर्सलिन टाइल अगर मैं टाइल के ऊपर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे अब अगर आप देखो तो सारे जो मटेरियल्स हैं वो सब जितनी भी टाइल्स अवेलेबल हैं इसकी ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी में वो यहाँ पे सब आपको दिखनी शुरू हो गई अभी इसका जो थम है वो बहुत छोटा है ठीक से आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि मटेरियल की अपेयरेंस क्या है इसको चाहो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जैसे कि मैंने ऊपर वाले में भी बताया था आपको यहाँ से हम इसको थंबनेल पे कर देते हैं तो अब आप देख सकते हो कि ये थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हुआ इसको आप चाहो तो थंबनेल के साइज को भी बड़ा कर सकते हो यहाँ से अब आप देखोगे कि आपको ज्यादा अच्छे से मटेरियल की अपीयरेंस समझ में आ रही है यहाँ पे और चेक कर लेते हैं मटीरियल जैसे मेटल के अंदर अगर आप अल्मीनियम पे क्लिक करते हो तो अल्मीनियम के जो भी ऑप्शन अवेलेबल है इसकी लाइब्रेरी के अंदर वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा समझ भी आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स लॉट